hello friends welcome to abipedia powered by Abhimanyu ias in this video we are going to see what to read and what not to read in the newspapers of 9th of january 2021 so if you haven't subscribed to this channel please subscribe to the channel and press the bell icon or agar app rose sari news compilation then you can register yourself by clicking on the link in the description below you can join our daily carpedium which is totally free of cost so by subscribing to it you will get a mail every day in which you can get all the gist of the material all the articles that you need to read every day so go now and subscribe to it starting with today's newspaper centre turns to sc as talks with farmers fail to break deadlock ongoing issue uh, shall they say so now they are going for schedule uh, the सुप्रीम कोर्ट इंड्यूस्ड मीडिएशन जो कि पहले भी बात चल रही थी इट रिमेंस टू बी सीन वेदर व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस थिंग सो ये न्यूज़ आपको पढ़नी है जस्ट लाइक एवरी डे द इंपॉर्टेंट न्यूज ऑन फ्रंट पेज इज एल कमांडर गेट्स फाइव ईयर जेल टर्म फॉर टेरर फाइनेंसिंग सो लश्कर ए तोयबा ऑपरेश कमांडर जकी रहमान लखवी ही हैज बिन सेंटेंस फॉर टेरर फाइनेंसिंग बाय अ पाकिस्तानी कोर्ट और इनका जो केस है दैट हैज़ बिन गोइंग ऑन फॉर मोर देन ट्वेंटी ईयर्स नाउ बट नाउ ही हैज़ बिन कन्विक्टेड और इंडिया ही कह रहा है दैट इट्स जस्ट अ फार्स बिकॉज द एफ ए टी एफ प्लानरी इज राइट ऑन द कॉर्नर एफ ए टी एफ प्लैनरी ना एफ ए टी एफ इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स सो इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी टू स्टॉप टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग पूरी दुनिया में टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एक बॉडी है एफ ए टी एफ और इसके कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जो हर कंट्री को मीट करने होते हैं सो देर आर देर इज़ अ लिस्ट ऑफ़ ट्वेंटी सेवन क्राइटेरिया दैट एवरी कंट्री हैज़ टू मीट सो दैट मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग वो ना कर सकें लेकिन इसमें से बहुत सारे क्राइटेरियाज पे पाकिस्तान मीट नहीं करता था दैट्स वाई पाकिस्तान वॉज पुट ऑन द ग्रे लिस्ट पाकिस्तान वॉज बुट ऑन द ग्रे लिस्ट और अगर फेबररी तक क्योंकि फेबररी में इन फेबर 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन देर इज़ अ प्लेनरी और मीटिंग ऑफ एफ ए टी एफ और अगर तब तक पाकिस्तान उन सभी यू कैन से इंडिकेटर्स को कंप्लाई नहीं करता है तो इसे ग्रे लिस्ट से उठाकर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा एंड वट इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ ग्रे लिस्टिंग एंड ब्लैक लिस्टिंग द इकोमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री गेट हिंडर्ड कि जो उस कंट्री के ऊपर एक तरह से इकोनॉमिक सैक्शन लगा दिए जाते हैं सो मैनी फाइनेंशियल ट्रांसफर्स सो मैनी फाइनेंशियल एबिलिटीज़ ऑफ द कंट्री आर हिंडर्ड जिससे कि कंट्री की इकोनमी को बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है सो एज अ पनिशमेंट द एफ ए टी एफ हैज द अथॉरिटी टू पुट फाइनेंशियल सैक्शन ऑन द कंट्री तो पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है इनफैक्ट In इंडिया का स्पेसिफिकली ये कहना है कि पाकिस्तान ने कभी भी टेररिस्ट के खिलाफ कोई रियल एक्शन नहीं लिया है तो जस्ट बिकॉज द एफ ए टी एफ मीटिंग इज़ अराउंड द कॉर्नर इस वजह से पाकिस्तान ये एक यू कैन से एक ढोंग कर रहा है कि उसने एक टेररिस्ट को कन्विक्ट करा दिया है इन अ कोर्ट बट वंस द मीटिंग इज ओवर एंड वंस अ फ्यू मंथ्स पास ही विल स्टिल बी रोमिंग फ्री सो एफ यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है राइट टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए सो यू शुड नो अबाउट एफ इन डिटेल इन द बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज तो ये आपको पढ़ना है

तो इस एडिटोरियल में उस रिपोर्ट को क्रिटिसाइज़ किया गया है बिकॉज अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल दिस प्रोजेक्शन बाय एन इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है दैट मीन्स कि इतना ज़्यादा कम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी सो दिस इज़ वट द एडिटोरियल इज़ आर्ग्यूइंग और उसके बहुत सारे रीजन्स दिए गए हैं दैट वट इज़ द वट आर द प्रिजम्पन्स ऑफ एन इन इट्स पर्टिकुलर फोकास्ट और जो जिसने एडिटोरियल लिखा है उसके क्या प्रोजेक्शन हैं सो यू कैन हैव अ वेरी एनालिटिकल व्यू ऑफ वट द जी डी पी ऑफ कंट्रीज आर द इंडिकेटर्स बेस्ड ऑन विच वी डिसाइड वेदर द जी डी पोइंग टू भी हाई और इट इज गोइंग टू बी वेरी लो तो ये एडिटोरियल आपने पढ़ना है इंक्रीजिंग यंडस्टैंडिंग ऑन इकोनॉमी आई वु से आई आर पे आर्टिकल है अच्छा आर्टिकल है रिटन बाई मिस्टर अर्जुन सुब्रमण्यम grading india's counter coercive strategy specifically india china relations strategy chinese deal so you can read this article Kaafi se bhi conflict kuch hua hai. you should not get, uh, you know, uh, get out of touch with the topic so, this editorial is there to give you a different perspective on the same topic then <coughs>

then on the world page uh, there isn't any significant news so moving on to the second newspaper which is the indian express let us go directly to the explained page the return of bird flu yabkupadnae the return of bird flu from the scientific perspective as well, that what is bird flu, how it spreads, what are its chances of infection in human beings, and what can be the implications, how we can stop it. All this you can read in this particular article, it's an explained article. Second, uh, this news, the role of agriculture, why this economic slump is different from past ones. So, one thing is dispute agriculture disputes. Second, agriculture slowdown in the growth of agriculture. वट आर द reasons फॉर दैट और ऐसा स्लो डाउन पहले भी बहुत बड़ा है बट हाउ इज दिस पर्टिकुलर स्लोडाउन डिफरेंट फ्रॉम दी अर्लियर स्लो डाउंस तो इस साल में ओवरऑल ही ग्रोथ बहुत डाउन जा रही है एज बी जस्ट सॉ एन एस ओ ने प्रोजेक्ट किया है दैट और जी डी पी इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट बाई सेवन पॉइंट सेवन परसेंट सो एग्रीकल्चर कैन नॉट रेमेन अ तो एग्रीकल्चर में भी कॉन्ट्रेक्शन होने वाली है या कॉन्ट्रैक्शन ना सही तो ग्रोथ कम होने वाली है सो कितनी कम होने वाली है एंड दिस स्लो डाउन इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर स्लोडाउंस तो ये आपको पढ़ना है फॉर इकोनॉमी परस्पेक्टिव देन लेटेस्ट कम टू द एडिटोरियल पेज सोशल मीडिया के ऊपर आर्टिकल है दिस इज गुड यू कैन रीड इट एंटी सोशल मीडिया बेसिकली आफ्टर द सपोर्टर्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप दे सीज टू द कैपिटल हिल इन यू एस इंड्यूस्ड बाय हिम काफ़ी सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जो ऑफिशियल अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया है इंक्लूडिंग फेसबुक एंड ट्विटर सो इस एडिटोरियल में उसे क्रिटिसाइज़ किया गया है कि नाउ दैट हिज टर्म एज प्रेजिडेंट इज गोइंग टू एन एंड और इज कमिंग टू एन एंड इट इज़ वेरी ईजी फॉर दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू सस्पेंड दी अकाउंट और टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट हिम बट वैन ही वॉज स्प्रेडिंग हेटरेड और वेन ही वॉज डूइंग समथिंग लाइक शेयरिंग फेक न्यूज़ और स्प्रेडिंग लाइज दैन दोज प्लेटफॉर्म डिड नॉट डू एनीथिंग सिग्निफिकेंट तो यहाँ पर एक क्रिटिकल व्यू लिया गया है उस चीज़ का कि उसे बैन किया गया है दैट इज़ गुड बट दोज़ प्लेटफॉर्म शुड नॉट एक्ट लाइक मेसियाज राइट दे आर दे हैव एक्चुअली एडिड इम इन द पास्ट सो ये आपको पढ़ना है देन येस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल ऑन टूडेज़ पेज सबसे इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है आज का अ मैसेज टू कोलम्बो इंडो श्रीलंका रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में इंडिया श्रीलंका सो इंडिया श्रीलंका पर्सपेक्टिव से ये न्यूज आपको पढ़नी है एस जयशंकर एंड ही पार्ट इन श्रीलंका कि को अच्छे से इन लेटर एंड इन स्पिरिट इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है नाउ व्हाट इज अमेंडमेंट टू द श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली गिविंग द एथनिक माइनॉरिटीज देयर राइट्स इन श्रीलंका तो जो एथनिक तमिल माइनॉरिटी है श्रीलंका में उसको उसके राइट्स देना अच्छे से पावर डिवॉल्व करना दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ थर्टीन अमेंडमेंट तो यूजअली वी डू नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ फॉरन कंट्रीज दैट इज़ आवर ऑफिशियल फॉरन पॉलिसी बट हेयर रिमाइंडिंग द श्रीलंकन अथॉरिटीज़ फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ थर्टींथ अमेंडमेंट इज़ नॉट अंडर दैट पॉलिसी तो यहाँ पर तमिल माइनॉरिटी जो है उसका वेलफेयर देखना उसका यू कैन से इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिया एज वेल तो ये पूरा आपको पता होना चाहिए वट इज थर्टींथ अमेंडमेंट कब पास हुई थी इससे क्या होगा और इसको अभी तक अच्छे से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया राइट सो इंडिया श्रीलंका रिलेशन में यू हैव टू एट दिस पर्टिकुलर परस्पेक्टिव एंड यू शुड नो अबाउट इट देन मूविंग अड

जब भी स्टॉक मार्केट आप या डाउन जाती है यू शुड डिवेलप सच एन अंडरस्टैंडिंग सच ए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑन इट दैट वाई द स्टॉक मार्केट गोज अप एंड डाउन स्टार्ट ट्रैकिंग इट बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग अंडर द सन इम्पैक्ट्स स्टॉक मार्केट जैसे जो बाइडन विन हैज बिन कन्फर्म्ड बाय द सेनेट येसटडे तो उसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट है वो थोड़ी सी बूस्टअप हो गई है बिकॉज नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिन कन्फर्म्ड इन यू एस तो इस वजह से इंडिया यू एस में जो बिजनेस सेंटिमेंट है दैट इज गोइंग टू इम्प्रूव सिमिलरली एफ पी आई इन्फ्लोज बढ़ गए उसकी वजह से सेंसेक्स हाई हो गया सो यू हैव टू ऑलवेज वॉच इट कभी कोई इलेक्शंस का रिजल्ट आता है उसकी वजह से सेंसेक्स अप होता है या डाउन होता है बेसिकली सेंसेक्स अप डाउन होने का मतलब है दैट हाउ मच फेथ द इन्वेस्टर्स हैव इन इंडियन मार्केट उसकी वजह से ये स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है इफ़ दे हैव हाई फेथ दैन द मार्केट विल गो अपॉर एग्जाम्पल जिस दिन कोरोना वैक्सीन कन्फर्म की थी इंडिया ने दैट डे ऑल्सो द सेंसेक्स शॉर्टअप सिग्निफिकेंटली लेकिन जब भी कोई इस तरह का इवेंट uh, होता है जिससे कि इंडिया की ग्रोथ या स्टेबिलिटी जो है वो किसी तरह से एंडेंजर्ड लगती है देन द इन्वेस्टर्स टेंड टू विदड्रॉ देयर मनी फ्रॉम इंडिया फॉर फियर ऑफ लॉसेस तब जो सेंसेक्स है वो नीचे जाता है फॉर एक्जाम्पल इफ इन एनी इलेक्शन रिजल्ट वन पार्टी फेल्स टू गेट अ मेजोरिटी तो इसका मतलब यह है कि पॉलिसी कंटिन्यूटी कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगी सो द इन्वेस्टर्स विद्रॉ देयर मनी ऑन द अदर हैंड अगर वही गवर्नमेंट कंटिन्यू करे फॉर एग्जाम्पल इन द टू थाउजेंड नाइनटीन लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट

<clears throat> Then, uh, last news आपको पढ़नी है इकोनॉमिस्ट कॉल फॉर एक्सीटेड प्राइवेटाइजेशन एंड सिंपलर जी एस टी तो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने सेंट्रल uh, गवर्नमेंट से अपील की है अहेड ऑफ द बजट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दैट प्राइवेटाइजेशन शुड भी एक्सेलेटेड ऑलरेडी हमने uh, एक प्रीवियस वीडियो में भी देखा था दैट गवर्मेंट्स फिजिकल डेफिजिट इज गोइंग आउट ऑफ हैंड बिकॉज दिस ईयर गवर्नमेंट्स रेवन्यूज़ बिन कॉम्प्रोमाइज्ड बट द एक्सपेंडिचर हैज़ बिन ओवरवेलमिंग तो इस वजह से फिजिकल डेफिसिट इज ऑल्सो प्रॉब्लम तो इकोनॉमिस्ट ने गवर्नमेंट को अर्ज किया है दैट प्राइवेटाइजेशन शुड बी एक्सेलरेटेड लाइक एयर इंडिया शुड बी प्राइवेटाइज सून देन दिस एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन शुड बी गिवन अ बूस्ट देन द डिसनवेस्टमेंट टारगेट शुड बी मेट एज सून एज पॉसिबल एंड जी एस टी थोड़ा सा और सिंपलीफाई किया जाना चाहिए बेसिकली देर मल्टीपल टैक्स लैब्स देन देयर इज सेस देन देयर इज अलॉट मैनी अदर सर चार्जेस सो ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी Streamlined, all these things need to be simplified so that so that compliance can be better. Already we have seen that in the month of December 2020, all time high GST received government 1.15 lakh crore in one single month, which is an all time high. So, how this particular uh, figure can improve, we simplify GST. So, in economy, you should have an understanding of all these things. That is all that you have to read in the newspaper today. Thank you and have a nice day.